कहानियाँ, रोमांच और रहस्य। गांव का घर। एक शाम मैं ग्रामीण क्षेत्र में अकेला ही चला जा रहा था, अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। मैंने बारिश से बचने के लिए इधर उधर देखना शुरू कर दिया। कीचड़ भरे रास्ते पर चलते हुए मैंने दूर एक बहुत ही पुराना सा लकड़ी का घर देखा। उस घर का छत भी घास फूस से बनाया गया था। मैं उस घर की तरफ चल दिया। मैंने मुख्य दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर बहुत ही अंधेरा था और काफ़ी नमी भी थी। उस घर में एक कमरे में एक जंग लगा हुआ स्टोव था। मैंने कुछ लकड़ियां लेकर उस कमरे के चूल्हे में आग लगा दी। जैसे ही मैं अपने जूते उतारकर अपने आप को आग के सामने बैठकर ताप लेने की तैयारी करने लगा, मैंने बाहर के गलियारे में किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। अचानक दरवाजे पर एक आदमी प्रकट हुआ। उसने तो जैसे मुझे उस कमरे में देखा ही नहीं और सीधा आग के पास जाकर आग ताप लेने लगा। वो पूरी तरह से भीगा हुआ था और उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था। मैं हैरान था क्योंकि इतनी बारिश तो नहीं हुई थी कि कोई व्यक्ति इतना अधिक भीग सकता। उसकी टोपी से भी पानी टपक टपक कर जलती हुई आग में भाप बन रहा था। मैंने खांसी करके उस आदमी का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। उसने सर घुमाकर मेरी तरफ देखा। मैंने देखा कि उसके दांत कटकटा रहे थे और उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। उसने कहा, यहाँ लोग नहीं आते हैं इस घर में। क्यों, ऐसा क्या है इस घर में? मैंने बातचीत शुरू करने के इरादे से कहा। उसने आग की तरफ मुड़ते हुए कहा, भूत, इस घर में एक भूत रहता है, ये एक सच्ची कथा है। उस आदमी ने खुद को पुरानी चक्की के पास पानी में डूबकर मार लिया था। उसकी लाश पानी में तैरती हुई मिली थी। जब उसकी लाश को खींचकर निकाला गया, वो पूरी तरह से काई से सना हुआ था। तब से ही लोग कहते हैं कि वो कई बार उस आदमी के भूत को इस घर के पास तालाब के पानी में तैरते हुए और कभी इधर उधर इस घर के बाहर भी घूमते हुए देखते हैं। बहुत से लोगों ने तो उस भूत को इस घर के अंदर भी इधर से उधर घूमते हुए देखा है। लोग कहते हैं कि उस आदमी का भूत पूरी रात इधर उधर घूमता रहता है। उस आदमी ने एक लंबी सांस ली और फिर से आग तापने लगा। वो फिर बोला, पर वो सिर्फ एक कहानी है जो अंधविश्वासी लोग सुनते हैं, लेकिन मैंने खुद उस भूत को नहीं देखा है। मैंने भी हंसकर कहा, मैं भी यहाँ काफ़ी देर से हूँ पर मैंने भी कभी इस घर के आसपास कोई भूत नहीं देखा है। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। उस आदमी ने फिर से मेरी तरफ देखकर कहा, कुछ लोग इन कहानियों पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। उस आदमी के कपड़ों से तब भी पानी टपक रहा था। मैं थोड़ा सा हैरान था। मैंने कहा, आप इतने कैसे भीग गए? आपके कपड़े तो सूख ही नहीं रहे हैं, आप इतना अधिक कैसे भीग गए? उस आदमी ने हंसकर कहा, कपड़े सूखना, मैं हमेशा ही भीगा रहता हूँ, कभी भी नहीं सूखता हूँ। वो रोने लगा। अचानक उसने अपने कीचड़ से सने हाथ आग में घुसा दिए। मैं हैरान था क्योंकि उसके शरीर पर आग का कोई भी असर नहीं हो रहा था। बिना कुछ बोले मैंने चुपचाप अपने कपड़े और जूते उठाए और चिल्लाता हुआ उस घर से बाहर अंधेरी रात में उस कीचड़ भरे रास्ते पर घर से दूर भागने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया।